explodes. मूवी की शुरुआत में एक बड़े घर को दिखाते हैं जहां एक नई फैमिली रहने आई होती है। इस फैमिली में चार लोग हैं, हीरोइन कायरा, उसका पति ब्रेन, उसकी बेटी एली और उसका छोटा बेटा स्टीवन। घर बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही पारंपरिक और सुंदर भी दिखता है, इस वजह से पूरी फैमिली को घर बहुत ही पसंद आता है। अब ब्रेन अपने बेटे स्टीवन को उसका प्ले रूम दिखा रहा होता है। कमरा देखते ही स्टीवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उछलने लगता है। वे घर की चीजें अरेंज कर रहे होते हैं और तब एली एक बंद दरवाजा देख कर अपने पिता से पूछती है कि वहाँ क्या है। ब्रेन कहता है कि वो बेसमेंट में जाने का रास्ता है जहाँ हम पुरानी और फालतू चीजें डालकर रख सकते हैं। फिर वे दरवाजा खोलते हैं तो अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और वहाँ लाइट बल्ब भी नहीं होता, लेकिन घर के करंट का मेन स्विच बोर्ड वहीं होता है। अगर करंट की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें बेसमेंट में आकर ही ठीक करना होगा। अब इस तरह बातें करते हुए वे बाहर चले जाते हैं, लेकिन एली के बाहर आने से पहले ही दरवाजा झट से बंद हो जाता है। एली अंदर से आवाज देकर कहती है, पापा ये क्या खेल है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अब ब्रेन कहता है कि हमने दरवाजा बंद नहीं किया है, लगता है वो खुद ही बंद हो गया। घबराओ मत, मैं आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसको नहीं खोल पाता। तब बेसमेंट से कोई आवाज आती है और एली को फील होता है कि कोई बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। वो घबराकर चिल्लाती है कि जल्दी खोलो प्लीज। तब जाकर ब्रेन को दरवाजे पर लटकी हुई चाबी दिखती है और उसको लगाकर वो दरवाजा खोल देता है और एली बाहर आ जाती है। अब नए घर में आकर एली कुछ उदास रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा काम पर बिजी रहते हैं और उनके साथ वक्त नहीं बिताते। कई बच्चों के स्ट्रेस का यही कारण है कि पेरेंट्स उनके साथ वक्त नहीं बिताते। एक दिन कायरा एली से कहती है कि मेरी और तुम्हारे पापा की एक जरूरी मीटिंग है, तुम अपने भाई को खाना देकर सुला देना और तुम भी दरवाजा बंद करके सो जाना, हम दोनों देर रात से लौटेंगे। बेचारी एली अपने पेरेंट्स का ये एटीट्यूड देखकर बहुत रोती है। अब इस नए और बड़े घर में वे दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्या आपकी या आपके फ्रेंड के साथ बचपन में ऐसा हुआ है? अगर आप खुद पेरेंट है तो अपने बच्चों के साथ कैसे वक्त बिताते हैं और उन्हें स्ट्रेस फ्री कैसे करवाते हैं, कमेंट से बताइए, शायद दूसरों के काम आ जाए। अब रात हो जाती है और एली अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ रहकर भी मैं उन्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हें भी बहुत मिस कर रही हूँ। अब इनके साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूँ। उनकी बातों के बीच पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अचानक एक चेहरा एली के सामने आकर उसको डरा देता है। वो और कोई नहीं, उसका नटखट भाई स्टीवन है जिसने एक मास्क पहना होता है। फिर कायरा और ब्रेन की कंपनी को दिखाते हैं। तब कायरा को एली का कॉल आता है और वो अकेले में उससे बात करती है। एली कहती है कि स्टीवन सोने का नाम नहीं ले रहा और वो वीडियो गेम खेलकर मुझे भी सोने नहीं दे रहा। ये सुनकर कायरा स्टीवन से बात करती है और कहती है, बच्चू अगले 5 मिनट में अगर तुम सोए नहीं तो एक हफ्ते के लिए तुम्हारा वीडियो गेम बंद कर दूंगी, अब जल्दी से गेम बंद करो और सो जाओ। ओके मॉम कहकर वो कॉल काट देता है। एली उससे पूछती है कि तुम्हें वो मास्क कहाँ से मिला, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहकर स्टीवन उसे कमरे में लेके जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। वहाँ एक अजीब सा सिंबल भी होता है। तब स्टीवन कहता है कि दीदी मेरी क्लासमेट ने बताया था कि घर में एक डायन रहती थी और उसने दुरात्माओं के साथ कोई एग्रीमेंट डाला था। एली कहती है कि तुम इन बातों पर विश्वास मत किया करो यार, डायन दुरात्मा वगैरह कुछ नहीं होते। फिर भी वहाँ से एक पुराना ग्रामोफोन उठाकर उसे प्ले करते हैं। उसमें कोई गाना नहीं बजता लेकिन कोई प्रोफेसर बात कर रहा होता है और बीच बीच में XDX जैसा कोई फॉर्मूला बता रहा होता है। और फॉर्मूले के बाद वो 1 2 3 4 करके काउंटिंग शुरू करता है। तब घर का करंट फ्लक्चुएट करने लगता है और बेसमेंट भी अजीब दिखने लगता है। इस बीच एली ग्रामोफोन बंद कर देती है और कहती है कि बहुत हो चुका, अब चुपचाप जाकर सो जाओ, ये कहकर वो उसको भगा देती है। अब एली अकेली देर रात तक टीवी देख रही होती है। अचानक बेसमेंट से तेज हवा आने लगती है और लाइट्स भी फ्लक्चुएट होने लगती है। आखिर में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इतने बड़े घर में एली और स्टीवन अब अकेले होते हैं, सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। एली फिर कायरा को कॉल करके कहती है कि मॉम पूरे घर का करंट चला गया है, अब मैं क्या करूं। कायरा कहती है एली बेसमेंट में बोर्ड रखा है, वहां तुम जाकर उसको एडजस्ट करो और करंट आ जाएगा। एली चिढ़कर कहती है कि मॉम मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगी, खेल समझा है क्या आपने, मुझे उस जगह बहुत ही डर लगता है। कायरा कहती है एली अगर स्टीवन जा गया तो वो चिल्लाएगा, उसे मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो, तुम बेसमेंट में जाओ, मैं तुम्हारे साथ कॉल में साथ रहूंगी, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है कहकर एली बेसमेंट के पास चली जाती है, लेकिन वो अंधेरे में उन सीढ़ियों से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तब कायरा कहती है कि बेटा तुम एक एक स्टेप करके नीचे उतरने की कोशिश करो, तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एली भी 1 2 3 4 करके काउंट करती हुई नीचे उतरती रहती है। अब बेचारे का चेहरा तो देखिए, वो डर की सीमा पार कर चुकी थी और उसको रोना आ रहा था। 9वें स्टेप पर वो किसी चीज को देखकर घबरा जाती है, लेकिन आंख बंद करके वो 10th स्टेप पर पहुंच जाती है। अब कायरा जरा रिलैक्स करके कहती है कि शुक्र है तुम नीचे पहुंच गई, अब तुम उस मेन बोर्ड के पास जाओ। तब एली 11 12 13 करके काउंट कर रही होती है। अब ये सुनकर कायरा चौंक जाती है क्योंकि उस बेसमेंट में सिर्फ 10 सीढ़ियां ही होती है, ये लड़की उससे आगे क्यों गिर रही है। घबराहट के मारे कायरा तुरंत ब्रेन को लेकर घर आ रही होती है, लेकिन वो अभी एली के साथ कॉल पर होती है।
एली लगाता है 27, 28, 29, 30 करके गिनती है और नीचे उतर आई होती है। कायरा और ब्रेन हड़बड़ी में घर पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में जाकर देखते हैं, लेकिन वहां एली नहीं होती। यहां से असली कहानी शुरू होती है। दोनों उस एली को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। फिर वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इस बीच घर के बाहर चारों ओर उसको ढूंढते हैं। अगले दिन सुबह वे पास के जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर भी एली का कुछ पता नहीं चलता। कायरा और ब्रेन बहुत दुखी होते हैं और बेबस होकर रोने लगते हैं। और ब्रेन कहता है कि शायद एली को हमारे साथ रहना पसंद नहीं था और इसीलिए वह घर छोड़कर चली गई। कायरा कहती है, नहीं ये बात नहीं है, तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो 20, 25, 30 करके काउंट करती जा रही थी, इसमें जरूर कोई राज छुपा है। कुछ दिन इस तरह बीत जाते हैं। अब कायरा हर तरफ एली के लापता होने का नोटिस लगा रही होती है। उसे हमेशा एली की चिंता खाई जाती है और इस वजह से वो स्टीवन को स्कूल से पिकअप करना भी भूल जाती है। अब बहुत देर बाद वो स्टीवन को पिकअप करती है और उसको सॉरी कहती है। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि हमने एली की तलाश में एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं, लेकिन अब तक एली का कुछ पता नहीं चला। तब कायरा कहती है कि सर, मेरी बेटी कहीं नहीं भागी है, बल्कि बाहर तलाश करने के बजाय अगर आप मेरे घर में तलाश करोगे तो आपको कुछ जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि बेसमेंट में ही उसके साथ कुछ हुआ है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऑफिसर कहता है कि अगर आप चाहती हैं तो हम जरूर आकर चेक करेंगे। अब कायरा कहती है कि अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आकर चेक करे तो बेहतर होगा। ऑफिसर कहता है, मैम ये सिर्फ एक मिसिंग केस है, फॉरेंसिक वाले सिर्फ एक क्रिमिनल केस के लिए आते हैं। तब कायरा फैसला करती है कि मुझे ही बेसमेंट का रहस्य खोलना होगा। फिर कायरा और स्टीवन घर लौट आते हैं। अब घर के एंट्रेंस पर खुदा हुआ नाम देखकर कायरा उसे इंटरनेट में सर्च करती है। वहाँ स्टीवन बेसमेंट के डोर पर बॉल फेंककर खेल रहा होता है। अब इंटरनेट पर उस आदमी से जुड़ी हुई सुपर नेचुरल बातें पढ़कर कायरा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है और स्टीवन को बुलाकर कहती है, बेटा उस रात एली एबनॉर्मल लग रही थी क्या? क्या तुमने मुझसे कोई बात छुपाई? स्टीव बताता है कि नहीं मॉम, उस रात हम सोने से पहले ग्रामोफोन से खेल रहे थे। ठीक है कहकर कायरा उसको भेज देती है और एली के सोशल मीडिया अकाउंट को देखती है। उसमें एली का एक पोस्ट होता है जिसमें उसने नो गॉड्स करके अपना टैटू दिखाया होता है। उसने पोस्ट में लिखा होता है कि अगर मॉम को मेरे टैटू के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। अब ये पढ़कर कायरा जरा स्माइल करती है और हाथ में लाइट लेकर बेसमेंट की ओर जाती है। पहले से उसे बेसमेंट पर शक था, पर वो सीढ़ियों को देखती है। उन पर 1, 2, 3, 4 करके लिखा होता है। वो काउंट करती हुई नीचे उतरती है और वो 10वीं सीढ़ी पर उतरती है तो नीचे अजीब सी भाषा में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। वो अपनी यूवी लाइट चारों ओर घुमाकर देखती है तो अचानक उस दीवार पर खोपड़ियों के चित्र दिखाई देते हैं। लगता है उन्हें खून से बनाया गया था। अब उन्हें देखकर कायरा चिल्लाती है। अगले शॉट में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कुछ लोग आकर सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी स्टीवन की बॉल बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ की सीढ़ी के एज में वो खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर कायरा और ब्रेन को बताता है कि नीचे आपने जो देखा वो खून नहीं, नॉर्मल पेंट है। यूवी लाइट में देखने की वजह से आपको वो खून जैसा दिख रहा था। मैंने सुना है कि ये घर 1950 से बना था, क्या आप इस घर के इतिहास को जानते हैं? दोनों जवाब देते हैं कि इतिहास वगैरह तो हमें नहीं पता, पर हमें कम दाम में मिल रहा था इसलिए हमने इसको खरीद लिया। अब पुलिस वाला कहता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आ गया, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। और ये कहकर वो चला जाता है। रात को कायरा सो रही होती है, तभी अचानक उसे कोई जगाता है और वो चौंक कर उठती है। स्टीवन इसको जगाकर कहता है कि मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ? ओके कहकर वो उसको अपने पास सुला लेती है। वो हर पल एले के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसे एले की काउंटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। 1, 2, 3 करके 30 तक गिनती चल रही होती है और आवाज़ को फॉलो करके कायरा सीधे बेसमेंट की तरफ चली जाती है और उन 10 सीढ़ियों को घूर रही होती है। तब सीढ़ियों पर किसी की आहट होती है और डर के मारे वो लाइट ऑन करती है और नीचे उतरती है। उसे फिर वही फॉर्मूला नजर आता है, पर वहाँ इस वक्त कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह कायरा किसी चीज को देख रही होती है। ब्रेन पूछता है, तुम क्या देख रही हो? लगता है तुम रात भर सोई नहीं। कायरा कहती है, ब्रेन क्या तुमने नोटिस किया कि हर दरवाजे पर इस तरह के सिंबल है और हर सिंबल अलग टाइप का है? जरूर इन सिंबल का कोई मतलब होगा, क्या तुम इनका मतलब जानते हो? वो ना में जवाब देता है। फिर वो ब्रेन को वही फॉर्मूला दिखाती है जो 10वीं सीढ़ी के नीचे खुदा हुआ था, लेकिन ब्रेन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब कायरा को इस तरह बेचैन होते देखकर वो कहता है, एली हमें छोड़कर चली गई है, वो वापस जरूर आएगी, हम उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे या फिर वो खुद ही हमारे पास चली आएगी, लेकिन तब तक हमारा बिजनेस वेट नहीं कर सकता। मैं ऑफिस जाकर वहाँ का हाल चेक करता हूँ, तुम जरा आराम करके बाद में आना। अब ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन कायरा का अब भी एक ही लक्ष्य होता है और वो है उसकी बेटी एली को ढूंढना। वो उस घर के पिछले ओनर को कॉल करके घर के फर्स्ट ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी पहले ओनर के बारे में कुछ नहीं जानता। अब कायरा हर दरवाजे के सिंबल की फोटो खींचती है, फिर उस फोटो को अपने स्टाफ को मेल कर देती है और कहती है, तुम्हें ये पता लगाना है कि क्या ये सिंबल कोई
भाषा है या फिर किसी और बात को दर्शाते हैं। अगर तुम कुछ पता लगा सकती हो तो प्लीज मेरी मदद करो। उसकी स्टाफ कहती है मैं जरूर कोशिश करूंगी। फिर कायरा ऑफिस मीटिंग में जाती है। मीटिंग के बीच कायरा को कुछ सूझता है और वहाँ से उठकर बाहर आती है और उस स्टाफ से मिलती है जिसे उसने सिंबल्स का काम सौंपा था। स्टाफ बताती है कि वो सारे सिंबल अरबी भाषा के अक्षर हैं। अलग अलग पढ़ने पर उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें एक क्रम में जोड़ने पर वो पुराणों में बताए गए लेवेथियन नाम के समुद्री राक्षस को दर्शाते हैं। अब उसकी बात को सुनकर कायरा घर आती है और लेवेथियन के बारे में सर्च करने लगती है। फिर वो उस ग्रामोफोन को चेक कर रही होती है जिसके बारे में स्टीवन ने बताया था। दूसरी ओर स्टीवन वीडियो गेम खेल रहा होता है, तब अचानक वहाँ का एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब कायरा ग्रामोफोन चलाती है तो फिर उसी प्रोफेसर की आवाज़ आती है जो एरी ने भी उस रात को सुनी थी। ऑडियो में फिर वही फॉर्मूला भी आता है और उसके बाद 1 2 3 करके काउंटिंग शुरू होती है। उसके कहते कहते स्टीवन भी 1 2 3 कहते हुए उस कमरे की ओर जाता है, लेकिन कायरा उसकी आवाज़ को सुन लेती है और वो घबरा कर उसके पास दौड़कर चली जाती है और पूछती है बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। वो ऐसे जवाब देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कायरा पूछती है तुम अभी अभी 1 2 3 काउंटिंग कर रहे थे। वो कहता है नहीं मॉम, मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रहा था, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे अपना वीडियो गेम खेलना है। और ये कहकर वो अपना वीडियो गेम खेलने चला जाता है। अब कायरा और भी कंफ्यूज हो जाती है और मेन हॉल में चली जाती है। वहाँ घर के फर्स्ट ओनर की फोटो होती है, उसका नाम जॉन फेडरसन है। देखने में तो वो जरा अजीब सा लगता है और उसके हाथ की मुद्रा भी अजीब होती है। रात को कायरा जॉन के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि वो एक फिजिसिस्ट है यानी भौतिक विज्ञानी है। तब एक इन्फॉर्मेशन उसको चौंका देती है। दरअसल जब जॉन उसकी पत्नी और 2 बच्चे इस घर में रहते थे तो जॉन की बेटी को छोड़कर बाकी सब एक दिन अचानक गायब हो गए थे और बहुत तलाशने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। अब ये सब पढ़ते पढ़ते घर में करंट कट हो जाता है। अंधेरे में स्टीवन घबरा रहा होगा ये सोचकर कायरा उसके कमरे में चली जाती है। तब स्टीवन की आवाज बेसमेंट के दरवाजे के उस तरफ से आ रही होती है। अब कायरा चिल्लाती है कि बेटा तुम वहाँ कैसे गए। स्टीवन कहता है कि माम मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, लगता है मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। अब ये कहकर वो उस दरवाजे की चाबी ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो पूछती है स्टीवन क्या तुम्हारे पास चाबी है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। अब कायरा एक छोटे से होल से उस तरफ देखती है तो एक ड्रावनी सी आंख दिखाई देती है। कायरा डर के मारे फ्रीज हो जाती है। तब स्टीवन उसके पीछे खड़ा होता है। कायरा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। स्टीवन कहता है कि माम मैं प्ले रूम में ही सो गया था, अभी उठकर आ रहा हूँ। तभी बेसमेंट का दरवाजा धीरे से खुलता है, अचानक करंट वापस आ जाती है। तब कायरा बेसमेंट के अंदर जाकर देखती है कि दरवाजा अपने आप कैसे खुला, लेकिन उसके अंदर जाते ही दरवाजा फटक करके बंद हो जाता है और स्टीवन बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अंदर कायरा फोन का टॉर्च चलाकर सीढ़ियों को देख रही होती है। तब उसका फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है और 10वीं सीढ़ी के बाद भी वो लुढ़क रहा होता है। अब ये आवाज को सुनकर कायरा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ही घबरा जाती है और लगता है उसने कोई डरावनी चीज भी देख ली थी। वो भागकर दरवाजे पर आती है और चिल्लाती है कि स्टीवन कहाँ हो तुम, दरवाजा खोलो प्लीज। बाहर से स्टीवन चिल्लाता है कि मॉम मेरा हाथ चाबी तक नहीं पहुंच रहा, मैं अभी चेयर लेकर आता हूँ फिर चाबी निकालूंगा। सोचिए अगर अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आपके मुंह पर अपनी सांस को छोड़े तो कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही गर्म हवा कायरा के मुंह पर लग रही होती है। ठीक उसी वक्त ब्रेन भी वहाँ आ जाता है और किसी तरह दरवाजा खोल देता है और कायरा बाल बाल बचकर बाहर आ जाती है और फिर वो स्टीवन को सुला देती है। अब कायरा और ब्रेन अकेले अपने कमरे में होते हैं। ब्रेन कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर बेसमेंट में हुआ क्या था। कायरा बताती है कि मैं गलती से बेसमेंट में फंस गई थी, तब मुझे अजीब सी आवाजें और किसी की बोलती भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है कि वहाँ मेरे साथ कोई और भी था, मेरा फोन नीचे गिर गया था लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया। अब ब्रेन कहता है कि एले के खो जाने के बाद तुम अजीब सी बातें करने लगी हो, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा इमेजिन करने लगी हो। कायरा को जरा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुमने मुझे समझ के रखा है, मैंने उस जॉन के बारे में रिसर्च किया था जो इस घर में अपनी के साथ रहता था और मुझे पता चला है कि उसकी बेटी को छोड़कर उसकी फैमिली के सभी लोग लापता हो गए, बिल्कुल हमारी एली की तरह। इसमें कोई बड़ा रहस्य जरूर छुपा है, हमें उसका पता लगाना होगा। ब्रेन कहता है ठीक है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारा फोन बेसमेंट में गिर गया था ना, मैं उसको लेकर आता हूँ। और ये कहकर वो बेसमेंट में जाता है लेकिन वहाँ कोई फोन नहीं होता। वो और थोड़ी देर वहाँ फोन ढूंढता है लेकिन फोन की जगह वहाँ किसी के बाल पड़े हुए होते हैं और वो उन बालों को देख रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पर एक रूप आता है। फिर कायरा को दिखाते हैं जो उस फिजिसिस्ट जॉन के बारे में पता लगाने बैन नाम के आदमी से मिलने जाती है। बैन जॉन के डिपार्टमेंट में काम करता था। कायरा उसे वो फॉर्मूला दिखाकर कहती है कि ये जॉन के पुराने घर के बेसमेंट में खुदा हुआ था, क्या तुम इसके बारे में पता लगाकर मुझे बता सकते हो। बैन कहता है इतनी सी बात अभी पता चल जाएगा, कहकर वो एक शीट पर स्केल रखकर कुछ लाइंस खींचने लगता है। अब बैन कोई मामूली आदमी नहीं, ये अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है और उसने क्वांटम स्टार्स के बारे में रिसर्च भी की होती है। कायरा उसे जॉन के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैं जॉन को अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी जमाने में वो इसी ऑफिस में काम करते थे, वो एक बड़े साइंटिस्ट थे और कैट इन द बॉक्स थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। फिर वो कैट इन द थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देता है, ये एक क्वांटम थ्योरी है जिसके मुताबिक अगर एक बॉक्स में बिल्ली को बंद करके रखा जाए तो दोबारा बॉक्स
खोलने पर ही पता चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई। मतलब ये कि जब तक बॉक्स बंद है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बिल्ली जिंदा है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो मर गई होगी। उसकी ये एक्सप्रेशन को सुनकर कायरा को एले की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। पूछने पर वो बताती है कि मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, वो लापता हो गई है। अगर इस फॉर्मूले का मतलब पता चल गया तो मुझे अपनी बेटी के बारे में कोई सुराग मिलेगा और इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आप जॉन के बारे में और क्या क्या जानते हैं? बेन कहता है कि वो कोई सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए और वो अपनी फैमिली के साथ ही गायब हो गए, सिर्फ उनकी बेटी बची थी। आपने जो एक क्वेश्चन मुझे दी है ये अलग ही डायमेंशन या परिणाम को दर्शाती है। इसका पूरा मतलब समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं जल्दी इस विषय पर आपसे मिलूंगा। और कार्ड को लेकर कायरा घर आ जाती है। फोन बेसमेंट में खो जाने की वजह से उसने नया फोन ले लिया होता है और वो अपना सिम उसमें डालती है। तब उसे बैन का कॉल आता है और वो पूछता है कि आप इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी। कायरा बताती है कि उसका फोन खो गया था और वो अभी नए फोन पर बात कर रही है। लेकिन बैन कहता है कि पहली बार किसी ने फोन उठाकर 12, 13, 14 काउंटिंग की थी और वो कौन था। सुनकर कायरा एकदम फ्रीज हो जाती है और कहती है कि वो फोन मेरे पास नहीं है। फिर बैन कहता है कि घर के बेसमेंट में जो इक्वेशन है वो गणित में एक अलग ही किस्म की इक्वेशन है जिसे 12वीं सदी के अल्केमिस्ट ने तैयार किया था। अल्केमिस्ट वो लोग थे जो कई मेटल्स को प्रोसेस करके उन्हें सोने में बदलना जानते थे। इसे सिर्फ एक फॉर्मूला न मानकर एक मंत्र भी माना जा सकता है, लेकिन ये मंत्र अधूरा है और ये किसी विशेष चीज को दर्शाने के लिए लिखा गया है। कई पुराणों से हमें इस इक्वेशन को जानना होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा ये एक अधूरी इक्वेशन है। मैं तो बस इतना ही जान पाया हूँ और इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहकर वो कॉल काटने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक और बात याद आती है। वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन बेल्जियम के एक बहुत बड़े घर में भी खुदी हुई है और इस तरह वहाँ पर भी रहने वाली फैमिली गायब हो गई थी। कायरा चौंक कर कॉल काट देती है। फिर वो ब्रेन को बताती है कि हमारे दरवाजों पर जो सिंबल है उसकी फोटोज मैंने तुम्हें मेल कर दी है। ये हर्बियो भाषा में लिखा गया है, इसका मतलब है लेवेथन जो पुराणों में एक समुद्री राक्षस था। और ये फोटो देखो, ये किसी बड़े खड्डे को दर्शा रहा है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लेकिन ब्रेन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। कायरा कहती है देखो ब्रेन, ये एक पहेली की तरह है, हर सिंबल और पिक्चर का अलग अर्थ जरूर होगा। फिलहाल मैं इन सबका सही मतलब नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। और ये कहकर वो ब्रेन को बेसमेंट की सीढ़ियों पर लेके जाती है और कहती है देखो यहाँ हर सीढ़ी पर एक नंबर है, लेकिन 10वीं सीढ़ी के बाद एक इक्वेशन खुली हुई है और इस बारे में मैंने एक फिजिसिस्ट को कंसल्ट किया। उसने बताया कि ये किसी अलग डायमेंशन का प्रतीक है और बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बेल्जियम के घर में भी खुदी हुई है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उस घर से भी पूरी फैमिली गायब हो गई थी। अब इस दिशा में सोचकर हम अपनी बेटी को बचा पाएंगे, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन ब्रेन को उसकी बातें बेहूदा लगती है। दूसरी ओर स्टीवन गेम खेल रहा होता है कि अचानक कोई शक्ति उसको आकर्षित करती है और वो उठकर जाता है और किसी चीज को घूर रहा होता है। यहाँ ब्रेन कायरा की बातों से तंग आकर उस इक्वेशन को हथौड़ा मार रहा होता है और कहता है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और बेचारी कायरा चीखती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन ब्रेन अब जोर जोर से हथौड़ा मारता है और लोहे की आवाज आती है और पूरी जगह वाइब्रेट होने लगती है। ऊपर ग्रामोफोन अपने आप चालू हो जाता है और उसमें वही इक्वेशन आती है। उसके बाद 1, 2, 3 करके काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। अब दिखाते हैं कि एली उस कमरे में है जहाँ से दोनों बच्चों ने ग्रामोफोन उठाया था, लेकिन वो देखने में भूतनी लगती है। उसे देखकर स्टीवन मॉम डेड करके चिल्लाने लगता है और दोनों उसके पास भागकर आते हैं। तो वो बताता है कि मॉम मैंने दीदी को उस कमरे में देखा था, आप भी जाकर देखिए। ब्रेन अंदर जाकर देखता है लेकिन एली वहाँ नहीं होती और उसका मोबाइल वहीं पड़ा होता है। अब ये देखकर ब्रेन को भी कायरा की बातों पर यकीन होने लगता है और वो भी ठान लेता है कि एली को किसी भी तरह ढूंढ निकालना होगा। फिजिसिस्ट जॉन की फैमिली में उसकी बेटी रोज को छोड़कर बाकी सब गायब हो चुके थे। अब इतने साल बाद रोज अब बूढ़ी हो गई होगी। कायरा और ब्रेन उससे मिलने जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस बारे में जरूर कुछ जानती है। वहाँ जाकर कायरा रोज से कहती है कि आप जॉन की बेटी है ना, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें आपकी बहुत मदद चाहिए। मुझे आपके उस पुराने घर के बेसमेंट का रहस्य जानना है। मैं जानती हूँ कि आपका परिवार उसी घर में रहता था और आपके पेरेंट्स और भाई वहीं से गायब हुए थे। मेरी बेटी भी वहीं खो गई है। अगर आप इस बारे में कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझे बताइए। अब रोज एक नोटबुक निकालकर उसमें एक समुद्री राक्षस लेवेथन का नाम लिखती है और कायरा से कहती है कि नर्क में कुल मिलाकर 7 राक्षस थे, उनमें से एक लेवेथन नाम का राक्षस था और उस राक्षस को धरती पर लाने का बुरा काम मेरे पिता जॉन ने किया था। मेरा भाई बहुत बीमार हो गया था और मेरे पिता ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की थी। अपनी कोशिश में वो हद पार कर गए और एक अलग ही डायमेंशन में जाकर दुरात्मा और राक्षसों से बातें करने लगे। लेवेथन की बुरी शक्ति ने मेरे भाई को तो ठीक कर दिया था, लेकिन उस डायमेंशन के जरिए उनकी सारी बुरी शक्तियां धरती पर आ गई थी। अब कायरा पूछती है तो अब मेरी बेटी कहाँ है, वो क्या घर के बेसमेंट में ही है? अब रोज कहती है कि अरे पागल औरत, वो घर के बेसमेंट में नहीं, वो घर ही बेसमेंट है। और ये सुनकर कायरा की तो बोलती बंद हो जाती है, वो तुरंत घर के लिए निकल जाती है।
यह ब्रेन उन सिम्बास को देख रहा होता है जो कैरा ने उसे मेल किए थे। हर फोटो में एक त्रिकोण होता है, ब्रेन उन त्रिकोण को जोड़ता है तो एक नक्षत्र का सिम्बल सामने आता है। तब कैरा वहाँ आती है और ब्रेन उसे भी ये सब बताता है। इसी बीच स्टीवन अपने ड्रोन से खेल रहा होता है और कैरा और ब्रेन को पता चलता है कि त्रिकोण से बना वो नक्षत्र भापोमेत नाम की दुरात्मा का प्रतीक है। भापोमेत को नरक का गीतकार या नरक के सिपाही कहा जाता है। उसके हाथ की मुद्रा जॉन के फोटो की मुद्रा से एकदम मैच करती है। इतना ही नहीं, इनके घर के एंट्रेंस पर जो नाम खुदा हुआ था वो भापोमेत के हाथ में टैटू किया हुआ था। अब हमें पता चलता है कि भापोमेत नाम की दुरात्मा के इर्द गिर्द इस घर को बनाया गया है। इनके इस रिसर्च के बीच स्टीवन का ड्रोन बेसमेंट में जाकर गिर जाता है। अब स्टीवन उसके पीछे जाता है। ब्रेन और कैरा ग्रामोफोन ऑन करते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि हर बार जब ग्रामोफोन में इक्वेशन पढ़ी जाती है तब बेसमेंट का पाता लोग खुलता है, और इस बार भी ग्रामोफोन में इक्वेशन पढ़ी जा रही थी। और तभी स्टीवन को कोई शक्ति अपने वश में कर लेती है। वो 1 2 3 काउंट करते हुए बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगता है और 10वें सीढ़ी पर पैर रखता है। ग्रामोफोन में 11 12 13 करके काउंटिंग चालू रहती है, लेकिन स्टीवन और आगे कदम रखता है और ड्रोन को उठाकर देख रहा होता है। तब उसके ठीक पास ही बहुत ही डरावनी दिखने वाली दुरात्मा खड़ी होती है। अब स्टीवन खूब चिल्लाने लगता है और घर के सारे दरवाजे फटाक फटाक करके पीटने लगते हैं। इतने में करंट भी चली जाती है। अब ये दोनों डर जाते हैं, न जाने स्टीवन को क्या हुआ। वे घर का कोना कोना छान मारते हैं पर वो कहीं नहीं होता। बेसमेंट में भी वे चेक करते हैं पर वहाँ भी वो नहीं मिलता। इतने में स्टीवन की बॉल उस तरफ लुढ़कती भी आती है। अब इन दोनों को स्टीवन की काउंटिंग सुनाई देती है और वो 30 35 40 करके काउंट कर रहा होता है। अब ये दोनों उसकी आवाज को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि स्टीवन एक अंधेरी जगह की ओर जा रहा होता है। लेकिन उस जगह से पहुंचने से पहले कैरा उसको रोक लेती है और उसको दूसरी ओर उठा लेती है। अब उस दुरात्मा को गुस्सा आ जाता है और वो अंधेरे में घुरघुरा रहा होता है। अब यहाँ स्टीवन का शरीर बहुत ही गर्म होता है। कैरा पूछती है कि बेटा तुम जहाँ गए थे वहाँ क्या आई थी। वो कहता है नहीं मॉम, मुझे तो ठीक से याद नहीं। फिर वो ब्रेन को पानी लेने भेजती है और स्टीवन का शर्ट उतार कर देखती है तो उसकी छाती पर उस दुरात्मा का सिंबल होता है। अब कैरा चौंक कर पूछती है बेटा तुमने उस अंधेरे पाताल में क्या देखा। अब स्टीवन हंसते हुए कहता है कि मॉम मैं एक बड़े जानवर पर चढ़कर जा रहा था। उस जानवर के 7 सर थे और 10 सिंगे थी। ये बताकर वो अपना शरीर अजीब तरीके से मोड़ता है और फिर 40 45 करके काउंट करने लगता है। कैरा घबरा कर ब्रेन को बुलाने जाती है। वहाँ पर ब्रेन भी 50 55 60 करके काउंटिंग कर रहा होता है और बेसमेंट से तेज हवा चलने लगती है। कैरा वहाँ का दरवाजा बंद करके ब्रेन के पास आकर कहती है प्लीज तुम काउंटिंग बंद करो, प्लीज भगवान के लिए बंद करो। अब ये सुनकर ब्रेन अब 10 9 8 करके रिवर्स में गिरने लगता है। आखिर में जब वो 1 पर पहुंचता है तो कहता है कि वे आ गए हैं। इतने में बेसमेंट का दरवाजा हवा में तेजी से हिलने लगता है, फिर वो फटाक करके खुल जाता है और अंदर से बहुत तेज हवा आती है। लगता है वो दुरात्मा सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रही है। अब कैरा घबरा कर टेबल के नीचे छुप जाती है। अब भी उस दुरात्मा का चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ उसकी परछाई दिखती है। दुरात्मा के बाहर आते ही कैरा दूसरी ओर से बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब उसे 10 नहीं अनगिनत सीढ़ियां दिखाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो वो दुरात्मा सीढ़ियों के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होता है। कैरा एरी एरी कहकर अपनी बेटी को पुकारती हुई सीढ़ियां उतर रही होती है और एंड तक पहुंच जाती है। अब दुरात्मा उसको चेस कर रहा होता है लेकिन वो किसी तरह बचकर दूसरी ओर चली जाती है। हर तरफ उसे सुरंग ही सुरंग नजर आती है। वो एक सुरंग में चली जाती है और वहाँ उसके लिए और शॉक वेट कर रहा होता है। उस खुले जगह में करोड़ों लोग चल रहे होते हैं। ये लोग एली की तरह दुनिया से गायब होकर यहाँ नर्क की ओर चल रहे होते हैं। अब करोड़ों लोगों में कैरा एली को कैसे ढूंढेगी, क्या ये पॉसिबल है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा शौक तो यह है कि यहाँ लोग 50 55 60 काउंट करने के बजाय मिलियन बिलियन ट्रिलियन करके काउंट कर रहे होते हैं। तो सोचिए आप कि ये लोग कितने साल से इस तरह पैदल चल रहे होंगे। कैरा रोने लगती है कि इस भीड़ में मेरी बेटी को कैसे ढूंढूंगी, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी नजर एली के पैर के टैटू पर पड़ती है। अब कैरा उसके पास जाकर कहती है कि एली तुम्हें क्या हुआ, प्लीज मेरी तरफ देखो। अब लाख कोशिश के बाद भी एली उसको नहीं देखती, लगता है वो अपने होश में नहीं है। कैरा कहती है कि कोई बात नहीं एली, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, चलो वापस चलते हैं। और ये कहकर वो एली को सुरंग के रास्ते से वापस ले आती है और दोनों सीढ़ियों के पास एक दरवाजे तक पहुंच जाती है। अब ये लोग दरवाजा बंद करके वहाँ से बचने वाले होते हैं कि दुरात्मा दरवाजा पकड़ लेती है। अब कैरा अपने टॉर्च से उसके हाथ पर पीटने लगती है और किसी तरह एली को लेकर सीढ़ियों से ऊपर आ जाती है। अब इस तरह कैरा ने अपनी बेटी को बचा लिया था। कुछ देर के लिए एली खोई खोई सी लगती है लेकिन जल्दी वो पूरी तरह होश में आ जाती है। अब उसको देखकर ब्रेन और स्टीवन बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म नहीं होती है यार, क्योंकि दुरात्मा इतनी बेकार थोड़ी ना होगी कि मामूली टॉर्च से मारकर कहीं गिर जाएगी। ट्विस्ट तो आगे है। अब कैरा की फैमिली घर छोड़कर जाने का फैसला करती है और बाहर जाने के लिए कैरा घर के मेन डोर को खोलती है।
अब वहाँ उसके सामने फिर से अनगिनत सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और पूरा परिवार फिर से 1, 2, 3, 4 करके काउंट करने लगता है। मतलब ये है कि ये लोग भी उस पाताल के नर्क में फंस चुके हैं। याद है उस बूढ़ी औरत रोज की बात जो उसने कायरा से कही थी, अरे पागल तुम्हारा घर ही बेसमेंट में है। मतलब ये कि ये घर धरती पर नहीं नर्क में है। आज तक नर्क से कोई वापस धरती पर आया है क्या कभी? और इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।